तो आज की वीडियो है कि मैं कैसे कैमरे के अलावा कैसे मतलब फ़ोन के साथ भी मोटो ब्लॉग कर सकता हूँ। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मतलब ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं, मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं और उनके पास अच्छा बजट नहीं है, पर वो अपने फ़ोन के साथ ही मतलब मोटो ब्लॉग शूट कर सकते हैं। तो आजकल मतलब काफ़ी वो आ गए हैं, मतलब प्रोडक्ट आ गए हैं जिससे हम फ़ोन से ही मतलब हेलमेट में फ़ोन लगा के ही मोटो ब्लॉग कर सकते हैं। तो मैंने आज मंगाया है कुछ, तो मैं इसको दिखाता आपको। ये कितने का मिला मेरे को, 270 रुपए का है, दिख रहा होगा कहाँ, जैसे 270 रुपए का है, तो 270 रुपए का पड़ा मेरे को ये सस्ती अनबॉक्सिंग। तो ये सब कवर है। तो ये है फोन होल्डर जो कि मैंने लिया है फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन में मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा आपको। तो इससे इसके साथ मेरे को मिला है ये सब कुछ, ये मिला है ये कोई 270 रुपये का है ये फ़ोन का आगे का। तो इसके साथ कैसे दिखाता मैं आपको, रुको। तो ये हमारा फ़ोन है, तो ये ऐसे हो जाता है। तो इसके साथ ऐसे लगा के देखो, इसके साथ ऐसे ये पूरा टर्न हो जाता है, पूरा घूम जाता है देखो। तो इसके साथ है मतलब यहाँ से ये अच्छा है, मतलब फ़ोन से ही ब्लॉगिंग कर सकते हो। और फ़ोन की क्वालिटी, अगर आपके पास फ़ोन अच्छी क्वालिटी का है, अच्छा कैमरा है उसका, मतलब अच्छा कैमरा है, तो आप उससे ही अपना ब्लॉग शूट कर सकते हैं। हेलमेट में कैसे लगेगा पूरा दिखाता हूँ, और दिखाता हूँ इसके साथ कैसे आपको अच्छा रहेगा मतलब ब्लॉगिंग करने को। ये रहा हमारा हेलमेट, और ये तो माउंट तो लगा होना चाहिए पहले से आपके इधर। ये मैंने अच्छे से लगाना, क्योंकि ये मैंने एमसील से लगाया ना, पर वो मिलता है फ़ोन का मतलब दूसरा वाला, जो मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उसका, वो ठीक रहता है। इसके एमसील का टूटने का खतरा भी रहता, तो मुश्किल हो जाती है। तो ये जो होता है ये इस दर लगा लेना ऐसे, अच्छे से फिट करना, वरना ये फ़ोन आपका सड़क में ही गिर जाएगा। तो ये फिट हो चुका है, तो अब ये फ़ोन एक्चुअली मैंने उल्टा ही लगा दिया, ऐसा करके दिखता है। तो ये देख सकते हैं आप, ऐसे करके आते हैं फुल। तो ये किस जिसको लग रहा है ये गिरेगा नहीं, ये काफ़ी अच्छे से लगा हुआ है इधर से, ये नहीं गिरेगा कभी। तो इसके साथ भी अच्छी क्वालिटी आती है, तो मैं आपको बाहर जाके दिखाऊंगा। मेरे मतलब बारिश लगी अभी, तो बाहर कैसे दिखाऊंगा मैं, पर ये काफ़ी अच्छा दिखता है, देखने में भी अच्छा लगता है। और ऑडियो के लिए आप माइक मिल जाते हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं, मैंने लिया तो नहीं है, पर या तो फिर एयरफोन होता है, वो अपनी एयरफोन इधर लगा के इधर जैसे उसका माइक इधर घुसा देना, इधर अंदर फिट कर देना, तो ऑडियो भी आपकी अच्छी आ जाएगी, आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी, प्रीमियम लगेगा वो भी, अच्छा काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी रहता है।
तो बस ये ऐसे, ये इतना देखने में लगता नहीं कि गिरेगा, एक मतलब लग रहा है कि गिरेगा पर गिरेगा नहीं ये। तो मेरे ज़्यादातर ब्लॉग जो है अभी तक इसी से आ रहे हैं, क्योंकि एक्शन कैम जो है वो थोड़ी क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं लगती, तो मैं अपना शूट इससे ही करता हूँ। जो आप सेटअप देख रहे हैं अभी सामने, ये सेटअप जो है ये मेरा सेटअप एक हिसाब से, और मोबाइल इस टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ सैमसंग का, तो देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी भी। तो ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, अच्छा प्लास्टिक है मतलब। तो जबकि सस्ते बजट में हो सकती है ब्लॉगिंग अच्छे से, तो क्यों अभी तक महंगा खर्च करना। तो ये काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, ये भी आते होंगे काम। तो जैसे अभी हम रील्स वगैरह बनाएंगे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ये घूम जाएगा आराम से, गिरेगा नहीं, पर ये नहीं गिरेगा कभी, अच्छी क्वालिटी आती है इससे मतलब। तो यही थी आज की वीडियो, तो मैं अभी आपको बाहर जाके दिखा तो सकता था कि कैसी क्वालिटी आती है, पर ये है कि बारिश लगी है तो उस कारण मैं जा नहीं सकता। पर जल्दी एक न्यू वीडियो लाऊंगा, मोटर ब्लॉग लाऊंगा, राइड पे जाएंगे। और बाकी कटिंग कुटिंग कैसी लग रही है, बाल पहले लंबे छोटे कर दिए। तो अब मेरी वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा डेली ब्लॉगिंग करना शुरू कर रहा हूँ, डेली वीडियो डालना शुरू कर रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से प्यार बनाते रहे अपना, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर न्यू हो चैनल पे तो। बाकी ये बाकी सब बढ़िया है, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो मेरा मानना यही है कि अब जिसके पास जैसा बजट है उस हिसाब से भी कर सकता है, पर मेरे हिसाब से ये शुरुआत छोटे से करो पहले, तो रिस्पॉन्स भी अच्छा आता जाएगा, धीरे धीरे तरक्की करते जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे। तो फिर बाकी सब बढ़िया है। तो यही थी वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय।